लिया, बहुत सारी बातें सुनी हुई है पंकज सर की जुबानी। उठाया मुँह में गया और ये आओ सच में ही यहाँ आके बहुत ही अच्छा लगा। और ये देखो कितना खुश साफ सुथरा, बहुत ही अच्छा वातावरण है। आप सारे मंदिर के चारों तरफ घूम लिए हैं, आपने कठना नदी भी देख ली, मंदिर के दर्शन भी कर लिए, मंदिर भी देख लिया, तो कैसा लगा? क्या बात है, क्यों बैठी हो यहाँ पे, हैं? हुआ क्या है, खेलने अभी तो तुम स्कूल से आई हो खेल के। अभी ये मुझसे कह रही थी मैं थक गई हूँ और ये थक के यहाँ बैठी है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, हम भी ठीक हैं। और कई दिन से हम लोगों ने वीडियो नहीं बनाई। हेलो हेलो, और आज चलेंगे, अभी तो हम स्कूल से ही आए हैं, 3:30 बज गए हैं और इतनी थकान हो रही है, ऐसे मन कर रहा है बस सो जाओ। मैं रोज़ ऐसे ही करती हूँ, आती हूँ और आके सीधा थोड़ा बहुत काम करके खा पी के और लेट जाती हूँ, और थोड़ी देर आराम करेंगे, उसके बाद मैं थोड़ा बहुत काम करूंगी क्योंकि काव्या ने सारे खिलौने फैला दिए हैं, अभी थोड़ी साफ सफाई करूंगी। काव्या को दिखाती हूँ मैं, देखो क्या कर रही है, आके तुरंत, पहले तो कह रही थी थक गई मैं, वहाँ बैठी थी गेट के पास, स्कूटी से उतरती है तुरंत कहने लगती है आए मैं थक गई मम्मा, और फिर आ गई। देखो क्या कर रही हो, हम तो खेल रहे हैं। खेल रहे हैं, खेलो थोड़ा फिर मैं। कितनी देर खेलोगी इधर बताओ? थोड़ी देर। क्या? देखो छोटी बुट्टी ने ऐसे ही हेयर पिन लगाई अपने बालों में जैसे सुबह लगी थी, और तुम कितनी बार निकाल चुकी हो? मम्मी ऐसी वाली चाहिए, तुम्हारे पास तो ऐसी वाली बहुत सारी है, सारी खो देती हो। तो फ्रेंड्स आज चलेंगे कस्टर्न के मंदिर, और मंदिर के बाद भी एक जगह चलेंगे, वो आपके लिए सरप्राइज है। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं तैयार होकर। तो फ्रेंड्स हम तैयार हो चुके हैं, मैं भी और काव्या की। देखो मैंने काव्या की आज दो चोटी बनाई है, कैसी लग रही है काव्या? अच्छी अच्छी लग रही है, छोटी बिट्टू भी आ रही है, छोटी बिट्टू भी आ रही है, छोटी बिट्टू की। तो अब बस काव्या के मामा का कर रहे हैं हम लोग वेट, आ जाए भैया फिर उसके बाद चलेंगे। तो फ्रेंड्स भैया का फोन आ चुका है कि जल्दी से बस तैयार हो जाओ, हम तो पहले से ही तैयार हैं और बस निकल रहे हैं बाहर। काव्या चली हुई है ऊपर, देखो उसको, चलो 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 चलो, कह रही है ये चैन मत लगाना, और दो चोटी बनाई है तो कैप मेरे हाथ में है, बताओ ये गलती बना दी मैंने इसकी दो चोटी। वासा नमस्ते, चलो नमस्ते तो करो मामा से। चलो ठीक है, अभी धूप है मैंने ले लिया है तब लगा लेंगे। मैंने भी ये जैकेट डाली क्योंकि उधर से आते हुए ठंड लगेगी, और स्टॉल भी ले लिया, और काव्या कैप भी नहीं लगा रही है, कह रही दो चोटी दिखेंगी नहीं। तो फ्रेंड्स ये जो आप देख रहे हैं ये है गन्ने की खोई, और यहाँ आगे थोड़े से ही आगे ये देखिए ये है कलेसर, यहाँ पे गुड़ बन रहा है, और ये इतने अच्छे अच्छे पीले पीले सरसों के खेत दिख रहे हैं बिल्कुल फ्लावर, और ये गेहूं का खेत है, ये सरसों का खेत है, और इतना अच्छा लग रहा है शाम का समय, बिल्कुल हरियाली चारों तरफ। और ये रतहरी का प्राइमरी और जूनियर का स्कूल है, और इससे थोड़े से ही जैसे ही आगे पहुंचेंगे हम तो ये गेट आ जाता है मंदिर में जाने के लिए, और यहाँ से मुश्किल से ही 1 किलोमीटर दूरी पे आगे है, ये खेतों में बना हुआ मंदिर है, हम कटकी पे आए थे, और 1 किलोमीटर का रास्ता है सड़क से अंदर जाते हैं तब ये पड़ता है। तो फ्रेंड्स ये देखिए हम मंदिर पहुंच गए हैं, और अब तो इतना खुला खुला लग रहा है, लेकिन जब हम कटकी पे आए थे तो यहाँ इतना बड़ा मेला था, जैसा कि मैंने ब्लॉग में आपको दिखाया भी था, आप देख सकते हैं वो वीडियो। और ये देखिए आज कितना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल साफ सुथरा और इतनी शांति सी लग रही है यहाँ। पहले जब आए थे वही वाला है? हाँ। तो मामा नहीं थे? नहीं। कौन कौन आया था? मम्मी और काव्या। अच्छा, और पापा नहीं थे? पापा भी तो थे साथ में। नहीं पापा नहीं थे। हाँ। और मम्मी और पापा। जब हम पहले आए थे कटकी के मेले पे तो देखो यहाँ पे इतनी भीड़ थी, और अब कुछ नहीं है, बिल्कुल खाली पड़ा है सब कुछ। ये आ गए, ये काव्या, कौन आया, नमस्ते करो मामा से। काव्या कह रही है ये वही मंदिर है जहाँ हम पहले आए थे, और ये क्या सब्जी, दही मठा, मास्टर साहब को दही बहुत पसंद है, मास्टर साहब को दही बहुत पसंद है, लेके जाने। ऐसा से कह रही मन को उनको भी ले आते साथ में, तो कह रहे वो गए मैगलगंज। अच्छा गुस्सा क्यों है ये बाबू? बाबू गुस्सा नहीं, बाबू बता रहा है कि इस वाले मंदिर पे हम पहले भी आए थे।
यहाँ पे पहले भी आया बाबू। बहुत खुशी की बात है कि हमारे घर में एक बबल की बहन आ गई है, छोटी सी क्यूट सी। और इससे ये पूछो ये क्यों नहीं लगाया इसने, ये तुझे कैसे दिखेंगे तो लगा के ही दिख जाएंगे इसीलिए। चलो मंदिर में जाने से पहले सब हैंड वॉश कर रहे हैं, निकाल दो अपने, देखो सबने निकाल दिए, नहीं हमने निकाल दिया था, शख्स निकालना पड़ेगा। हाँ वही तो, पहले यहाँ बहुत बड़ी घंटी लगी थी जब हम आए थे। वो देखो पैर से ही निकाल रहे हैं अपना मोजा, और मैं हाथ धो लूं जल्दी से, बस यही वाले हैंड हाथ से छुए थे मैंने थोड़े। मेरी मनोकामना पूरी हुई, श्रीमती नीलम देवी। अध्यापक भी लिखा है, अध्यापक भी निग्रह मौसमपुर। हाथ हटाओ, हाथ नहीं हटाते भाई साहब, गुस्सा हो जाएंगे नहीं भाई। बहुत सुरेश पाल देखो ये लिखा है, सुरेश पाल में तब्दील कर दे, अरे योगेश कुमार की जगह सुरेश पाल हो गया गलती से। बाबा केवल फलाहार करते हैं, फलाहारी बाबा हैं। अच्छा अच्छा। अनु चार साल से त्याग, चार साल से, हाँ पचास साल से, चार साल पूरे हो चुके हैं अन्न त्याग के, अनजल अमृतवन नहीं रहा वो करते, फल लेके आएंगे ठीक। और सावन के महीने में खड़ी तपस्या की थी, एक पैर से कर रहे थे पूरे सावन पर, पूरे सावन एक ही पैर से कर रहे हैं, विकास हुआ था, ये विकास भी बाबा के आने से हुआ है, जब से आए यहाँ तब से धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। हाँ ये छोटी छोटी घंटी है काव्य, आप लोग कहाँ से हैं? हम आए तो बितौली से हैं, बस ये है कि रहने वाले सब बाहर से हैं, अलग अलग जिलों के हैं, इधर दिल्ली साइड में हापुर सहारनपुर बागपत से हैं, हम शामली से हैं। तो दर्शन हमने कर लिए हैं और सामने है हनुमान जी का मंदिर और ये बनेगा माँ दुर्गा का मंदिर जो अभी बनने ही वाला है। ये चश्मा लगाने का कौन सा तरीका है? ये रोकने वाला है, जब स्टैंड पर लगा देना, किस चीज़ के लिए स्टैंड है? नदी तो दिखाओ, कठिना नदी है यहाँ पर। पहले ओ तीनों मिलके बताएंगे यहाँ के मंदिर के बारे में। ये मितौली से 2.5-3 किलोमीटर की दूरी पर पार्श्वनाथ मंदिर है, भोले जी का। और यहाँ इसको वैसे ही कष्ट हरण के नाम से ज्यादा मशहूर है ना, जाना जाता है, बाबा जो है सबके कष्ट हर लेते हैं, जो भी यहाँ अपने कष्ट लेकर आते हैं यहाँ सब कष्टों को हर लेते हैं, यहाँ पर बहुत शांति मिलती है। यहाँ कितनी शांति है वैसे भी, ये नहीं वातावरण, वैसे एक बात और है, जैसे ऐसी जगह आके अपने आप ही मन में अलग सी शांति आ जाती है। भाई साहब के विचार, भाई देखो जब बड़े इतने थोड़े कॉस्टली हैं ये जो है, कम बोलते हैं, पहले ही बता दिया तो बताओ, ये चश्मा उतार के बात करो, ये चश्मा नहीं पार और संभाल के खड़े नहीं गिर नहीं जाएंगे। ये कॉमेडियन है, ये पहले भी व्लॉग में आ चुके हैं। ये मंदिर जो है कष्टरण का, ये कठिना नदी के किनारे, यहाँ पे नदी भी है। हमारा जो लखीमपुर है मुझे लगता है 7 या 8 मेन नदी है, बाकी छोटी छोटी तो बहुत सारी है ना, काफी नदियां हैं। घाघरा फोर्टीन है सबसे बड़ी नदी यहाँ की, शारदा है और इसके बाद तो बहुत छोटी घाघरा, उनमें से एक ये कठिना नदी है, तो 14 में से जो 14 है, 14 में से एक ये भी है। तो चलो देखते हैं फिर, ओके लेट्स गो, लेट्स गो। दीदी को भी ले लो, मामा दो, दोनों मामा भांजी मैचिंग मैचिंग हो रहे हो, दोनों मैचिंग हो रहे हैं। ट्रेन में भी यही कहा, फिर कल का करते दुकान पे, सारी दुकान
आज पता है मुझे ये नहीं पता चल रहा था कोहरे में कि मैं वहां ना पहुंच जाऊं खुटेना गांव। हाँ खेत वाला रास्ता था, स्कूटी में वो डलवाया था ना तेल। पूछूं अम्मा आप समरसेपुर की हो हैं? अच्छा ये जो मास्टर जी हैं ये समरसेपुर में ही पढ़ाते हैं। इनका हम कुछ देखन ना है जब इनकी मम्मी खत्म हो गई थी। अरे क्या नाम है बेटा? ऋतिक। भयंकर भयंकर भयंकर। अरे नाम यार तुम्हारा बड़ा खतरनाक है। हाँ कहाँ पहुंच गए ये देखो काव्या कहाँ टांग दी इन्होंने ये बिजल गई। काव्या देखो हेलो हेलो कर दो। हाँ हेलो करेगी तो गिर ना जाएगी। नहीं कर दिया था पहले भी। अच्छा कर दिया था हेलो कर दो मुंह से लगा रखा है। चलो उतार लो उतार लो। ये आज तो काव्या बंदर बन गई थी। कहाँ है नदी ये? This one is called। और ये देखो सूरज देवता कैसे दिख रहे हैं हमारे। अब जाने वाले हैं तो ऐसे दिख रहे हैं। और ये है कठिना नदी। यहाँ तो इस तरह की लोकेशन नहीं है ना। इधर से आ रही है ये नदी। बरसात में भी तो आए थे एक बार हम यहाँ तक ऊपर तक आ रही थी बिल्कुल। अच्छा बारिश के टाइम में पानी आता होगा ना। क्या हो गया बस हाथ में? हाथ मुझे लग गया वो था क्या सिंघाड़े की गिरी सी थी। और ये कठिना नदी के किनारे ही बना हुआ है कष्ठहरण बाबा का मंदिर। और हाँ आ जाओ आप भी हो। धमछे नहीं गिलोगे बच्चा आराम से आ जाओ। इन बता रहे हैं सतीश सर की जब वो बारिश के टाइम में आए थे तो ऊपर तक पानी था तो मंदिर तक पहुंच जाता है। हाँ। लेकिन इसमें काई जो है यार पानी बिल्कुल साफ है देखो। अभी गिरा देते मैं भी पता है मैं भी डर गई एकदम से। मुझे भी डर। अब मैं बना रही थी वीडियो इधर। अरे मजाक मजाक में गिर ना जाए। नहीं ये देखो बिल्कुल इतना साफ पानी है जो इसके अंदर ये घास है। ये घास ही है ना? घास ही घास के साथ काई है। और दूर चलो मामा के साथ यहाँ से। चलो यहाँ से ये रास्ता ठीक है। चलो मामा का हाथ पकड़ो। चलो कैसे इसे पानी में गिरा के ही रहोगे? पानी देख रहे इसमें पानी लीक तो नहीं कर रहा है। रहने दो रहने दो। अरे नहीं नाव की सवारी करोगे क्या? कोई पकड़ के कोई मारेगा बेबी? मछली नहीं है अभी। मछली उधर चली गई दूर चली गई अपने घर। हाँ रास्ता नहीं है भैया उधर से। और पतवार कहाँ है इसका? कैसे चलाओगे बिना पतवार के? ऐसे ही ऐसे ही। ये और इस टाइम ये होय रे शाम का समय है। और ये देखो बच्चा ले जा रहा है इसको। क्या बता रहे हो? पीपी सारे इनके उसमें रखे बैग में। बैग वहाँ छोड़ के और आराम से यहाँ पे है। आपकी वीडियो खींच दूँ? हाँ। बताओ कैसे वीडियो खींचूँ मैं आपकी? पानी के साथ। बाबू वो पानी में देखो कैसे निकल के। बैग बाइक के साथ लगा हुआ है तो उसी में सारे डॉक्यूमेंट्स हैं इसलिए काव्या के मामा चले गए। और मैं आपको दिखाती हूँ देखो ये कैसे नदी पार करते हैं। और उधर रास्ता भी नहीं है नदी में से आने के लिए। तो फ्रेंड्स ये जो आप देख रहे हैं दो लोग इधर आ रहे हैं। इस व्यक्ति के दो बच्चे हैं एक लड़का एक लड़की। तो लड़के ने पहले कपड़े निकाले और वो कपड़े निकाल के तैर के आया इसमें से और इस नाव को उधर ले गया हाथ से चला के। और फिर उधर से ये बाप बेटी इसमें बैठ के आ रहे हैं। वो कपड़े पहन के अब घर चला जाएगा और इनको मितौली में कुछ काम होगा तो ये अपना काम करेंगे। मुझे लगता है रास्ता कहीं बहुत ज़्यादा दूर से होगा इसीलिए ये इस नदी का सहारा ले रहे हैं पार करने के लिए और यहाँ पर अपना काम करके वापस चले जाएंगे। मुझे यहाँ पे इनको ऐसे देख के ऐसे लग रहा है कि मैं किसी पुराने जमाने में जी रही हूँ। जैसे कोई फिल्म का सीन देखते हैं ना वो सौदागर लोग होते थे ऐसा कुछ। और ये इस तरीके से इसे देखो ये किनारे पे लगा दिया और अब जब ये अपना काम खत्म करके आएंगे तो इसमें बैठ के चले जाएंगे। ये इन्होंने ही बताया मैंने अभी अभी इनसे बात की है। मामा से बोलो मामा खींचे काव्या की एक फोटो खींच दो। ये कुआं इसमें है पानी? पानी है हाँ यार सच में पानी। फोन गिरा दूंगी तो कोई जुगाड़ नहीं है निकालने का है।
तो आप सारे मंदिर के चारों तरफ घूम लिए हैं, आपने कठना नदी भी देख ली, मंदिर के दर्शन भी कर लिए, मंदिर भी देख लिया, तो कैसा लगा? शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। हाँ। और यहाँ आके जो मतलब जो आनंद मिला है, जो जॉय मिला है, वो बिल्कुल बेहतरीन, बहुत शांति है, बहुत और सालों बाद इस तरह हमने एंजॉय किया है। मैं और भाई साहब आने वाले थे और मैंने कहा आप नहीं हो, दोनों तो कह रहे वो दोनों मैगलगंज गए हैं, लेकिन यहाँ आते ही आप आ गए तुरंत एकदम, और बहुत ही अच्छा लगा सबके साथ में। संयोग था, बाबा बुला रहे थे यहाँ सबके साथ। जय भोले। फिर देखा कि कुछ चला जाए आज मंदिर में, तो सब लोग यहीं पे मिल गए और बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे और बहुत शांति है। जय भोले। मिट्टी है ना, तुम्हें मिट्टी अच्छी लगती है? काव्या को मिट्टी अच्छी लगती है, काव्या यहीं रहेगी। और सच में ही यहाँ आके बहुत ही अच्छा लगा, और ये देखो कितना बिल्कुल साफ सुथरा और बहुत ही अच्छा वातावरण है यहाँ का, बिल्कुल एकदम शांति सुकून वाली। ये देखो इसमें क्या है, ये मेरे एक फ्रेंड ने दिया है जो लोकल के यहाँ के रहते हैं, उन्होंने कैसे कहा था, उन्होंने क्या कहा था? मास्टर साहब आप गोभी और ये आलू हमारे यहाँ से खेत में उठे, इनको लेके जाओ। और अनिल जी के लिए ये स्पेशल मट्ठा भर के दिया, मट्ठा और दही बहुत अच्छे वाले उन्होंने दिए अनिल जी के लिए स्पेशल, मास्टर साहब अनिल जी के लिए। मास्टर साहब जो है मट्ठा दही खूब खाते हैं, तो इसलिए हमारे लिए जाएंगे डब्बा भर के मट्ठा दिया। तो कहीं भी जाओ तो सतीश सर का होना हमारे साथ बहुत जरूरी है, वरना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जैसे हम लोग गोला गए थे तो वहाँ गोला वाला जो टूर था वो भी इनके साथ बहुत अच्छा था, तो जहाँ भी जाएं इनका होना बहुत जरूरी है, वरना अधूरा अधूरा सा ही रहता है। वी विल मीट अगेन कमिंग संडे। हम दोनों तो कब तक निकल गए होते हैं? हाँ हम दोनों आए तो कब तक चले गए होते? ये बंदर और ये बैठ गया, सब अपने अपने फोटो देख रहे हैं वहाँ के खींचे हुए। चलो मेला चल रहे हैं आइसक्रीम खाने, तो हम लोग घर से निकले हैं और घर से निकलते ही गोलगप्पे बहुत ही अच्छे हैं। लो कावे लो, चलो खाओ। और ये उठाया हम उन्हें गया और ये आउट फर्स्ट वन, हाउ डज इट लुक बेस्ट वन नाउ मिस्टर अनिल कुमार टेकिंग दिस वेरी स्लाइटली, बहुत खूबसूरती से इन्होंने खाया है। एक तो खा ही सकते हो, एक खाने से कुछ नहीं होता, फिर खाए तो फिर ज्यादा खाया जाए। चलो कावे चलो, तो हमने मेले में एंट्री कर ली है। ये हाय मैं पंकज मिश्रा। लो भाई पंकज मिश्रा नहीं, प्रिय मित्र। गाड़ी तो देख ली, अभी हम गाड़ी देख रहे थे, हो सकता है तिवारी के पास हो। अच्छा हमें ये था कि अभी गाड़ी तो देख ली हमने, वहाँ ट्रॉली में आ गए तब भी नहीं बताया कि मैम आई हैं। अभी बता रहे थे वीडियो कहाँ गैस पता नहीं किसके लिए हो रही है, क्या बता रहे थे? नीलम मैम के वीडियो बहुत बेहतरीन है, सभी को देखना चाहिए, लाइक करना चाहिए, चेंज कर दिया चाहिए, है ना? चेंज कर दिया, मेरा पहला वीडियो है मैम के, बहुत सारे वीडियो है। आप यहाँ रहते नहीं है, मिलते नहीं है, तो इसलिए आप हमारे ब्लॉग में नहीं आए। और ये इन सब, ये सब आ चुके हैं, ये इन सब का चैनल है, मतलब ये हम सबका चैनल है, सबका चैनल। सबसे बड़ी तो खुशी बात, पहला ही वीडियो और पहले ही दिन बन गया। मेरी वीडियो मैम देखती हैं और मुझे जानती भी हैं, थैंक यू। और मैं फर्स्ट टाइम ही मिल रही हूँ मैम से, है ना? हाँ वैसे तो मिले हुए हैं, वैसे तो मैंने आपकी बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारी बातें सुनी हुई है, पंकज सर की जुबानी। और जो ये सुनाते हैं, वाह क्या पहले से लेकर के हैं? शादी से पहले? हाँ आपकी शादी से पहले की भी सब मैंने, इन्होंने सब बता रखा है सबको हमें, है ना? क्या समृद्धि और मैं खा रहे हैं, हम दोनों आइसक्रीम इधर ये बैठे लेके आधी आधी आइसक्रीम दोनों, और ये पहले से खा चुके हैं तो ये नहीं ले रहे हैं, अभी खा चुके हैं। तो फ्रेंड्स ये देखो झूले तो सब गायब हो चुके हैं यहाँ से, और कुछ दुकानें भी उठ गई हैं मुझे लगता है। सर नमस्ते मैडम, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। आज आप? अच्छा यही रुक गए? अच्छा कौन सा पर्स? ग्लीन
ये नहीं ठीक नहीं है ये वाला, दूसरा लेना, अच्छा वाला लेना, ये छोटा है बड़ा वाला लेना। तो वो दो झुमके जो लिए वो किसके लिए? अब बताओ नीलम जी की वीडियो चल रही है, कैसी कैसी बातें कर रही है देख लो, ये कट करना पड़ेगा आपको, ये करेगा अपनी बेगम के लिए, ये लो सही करें। और सेकंड ऑप्शन क्या है फिर? ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो, बताओ। ले लिया मैंने, फैमिली वीडियो है ये, सस्ते से देखें, सस्ते से सस्ते से देखें। वो क्या बेहतरीन मेला है ये ना, आपने कुछ लिया, बेहतरीन मेला है। अब खत्म हो गया तब आप आए हैं, अक्सर हम जब पोल्यूशन खत्म वाली होती तभी। देखिए कैसा लग रहा है इधर, देखिए वेरी नाइस, एक फोटो लेना चाहिए ना, इसका लुक फोटो लेना चाहिए, फोटो के लिए थोड़ी ले रहे भाई साहब, 24 घंटे की फोटो खींचेंगे, दाल फ्राई करेंगे, ये इन्होंने खरीदा है। और इसमें भी है कुछ भी, बहुत है इसमें, देखो लाइट वाले मोबाइल दिखाओ क्या क्या लाई है, बहुत लाई है काव्य, खोलो चलें जी, चलिए बाय बाय बाय, चलो ठीक है वासा, नमस्ते बाय। मतलब थक गई हो, और फिर भी खिलौने खिलौने, ये देखो क्या हाल मचा रखा, ये वाले खिलौने, ये खिलौने नहीं है, ये वाले खिलौने नहीं, ये दूसरे नए वाले। हाँ। अच्छा ठीक है, अभी दे रही हूँ। 8:30 बज गए और 8:30 बजे हम लोग वापस आए। पहले हम लोग गए थे कस्टर्न के मंदिर, जहाँ बहुत ही अच्छा लगा, वहाँ बहुत ही शांति, मतलब एकदम अलग सा ही वातावरण था वहाँ का, और बहुत ही अच्छा लग रहा था वहाँ पे। और अब बहुत थक गए मैं भी और काव्या भी, काव्या तो कह रही थी मेरे, और काव्या वहीं पे कह रही थी मेरे पैर बहुत थक गए मम्मा, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे गिराओगी। और तुम लाए थे ग्रीन वाली, ए कार्तिक दांत दिखाओ अपने, कितने दांत निकले तुम्हारे? दो निकल गए, अभी निकले नहीं है अभी, मतलब अरे उखड़ गए, अब आएंगे दो दांत हैं, ऐसे लग रहा है पूरा मुंह खाली हो गया तुम्हारा। तो ठीक है फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।